नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। तो इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे, और आज की वीडियो के साथ में वाटर पॉल्यूशन जो आपका लेसन है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको विथ एग्जाम्पल चीजें समझाऊंगा, तो चलिएगा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है इसकी थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिएगा, कोई भी हमारा वाटर होता है, जो शुद्ध हमारा वाटर होता है, उसका हमारा क्या होता है फॉर्मूला, रासायनिक जो सूत्र होता है H2O होता है। अगर इस H2O में हम लोग कोई भी ऐसे दूसरे एलिमेंट जोड़ दें या फिर हम इसमें से O गायब कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो मैंने डेफिनेशन आपको एयर पॉल्यूशन के समय बताई थी वही डेफिनेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाती है। पर आप समझ सकते हैं कि सामान्य जल व शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, राइट। परंतु किसी भी प्राकृतिक या फिर कृत्रिम कारण से यदि यह रासायनिक सूत्र बदल जाए या कोई अन्य एलिमेंट जुड़ या घट जाए, तो इस प्रक्रिया को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। यही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, यही पे आपका एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, जो पेय जल का हमारा पीएच मान होता है वह 7 से लेकर के 8.5 होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जल प्रदूषण किन किन कारणों से हो सकता है। तो प्राकृतिक प्रदूषण, प्राकृतिक मतलब कि आपको पता है कि जो भी हमारे प्रदूषण होते हैं वो दो मेनली बेसिक कारणों से होते हैं। एक तो प्रकृति के कारण, प्रकृति में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव हो रहा होता है जिस वजह से हमारा प्रदूषण का कारण बनता है, या फिर हम लोगों को मानव के द्वारा भी कोई ऐसा उतार चढ़ाव किया जाता है जिस वजह से प्रदूषण बनता है। तो प्रकृति के कारण कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण देखने को मिलता है आपको? प्राकृतिक आपदाओं के आने से जल प्रदूषण होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट। देखिएगा, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो लावा निकलता है। लावा जो होता है वो हमारे समुद्र के साथ में जाकर के जाता है, जिससे कई भी हानिकारक जो केमिकल होते हैं वो हमारे समुद्र के जल में जाकर मिल जाते हैं, और फिर वही हमारे हानिकारक जो केमिकल होते हैं वो हमारे समुद्र जीव के मरने का कारण बन जाते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जल प्रदूषण होता है। अम्लीय वर्षा, एसिडिक जो रेन होती है उसके वजह से हमारा जल प्रदूषण होता है। मृदा अपवर्धन के कारण हमारा जल प्रदूषण देखने को मिलता है। जलीय जीव जंतु की मृत्यु, जब जलीय जीव जंतु मर जाते हैं तो वो वहीं पानी में पड़े पड़े सड़ने लगते हैं, तो जिस वजह से हमारा जल प्रदूषण देखने को मिलता है, और बाढ़ की वजह से भी जल प्रदूषण देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मेन की पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है जल प्रदूषण के कारण बताइए, तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं। इतना भी अगर आप लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना, तो आप इनमें दो दो लाइनें अपने मन से भी जोड़कर लिख सकते हैं। इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको की पॉइंट्स वगैरह बता रहा हूं, ताकि वीडियो भी शॉर्ट बने और आपको की पॉइंट भी आपके माइंड में हो जाने चाहिए। तो आप इसके नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा। इन्हें थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो चलिएगा, अभी बात कर लेते हैं कि कृत्रिम प्रदूषण के कारण कैसे हमारा जल प्रदूषण हो रहा होता है। तो प्राकृतिक कारणों से जल प्रदूषण मैंने आपको बता दिया है, अब बात कर लेते हैं कृत्रिम प्रदूषण के कारण कैसे जल प्रदूषण होता है। मानव के क्रियाकलापों से जल प्रदूषण होता है, जैसे नाले व सीवरों के कारण। आपको पता है जितने भी नाले व सीवर होते हैं वो हमारे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ऐसी नदियों में खोल दिए जाते हैं, तो इनके वजह से जल प्रदूषण देखने को मिलता है। धोबी घाट में कई सारे केमिकल हमारे यूज़ किए जाते हैं कपड़ों को साफ करने में, इस वजह से जल प्रदूषण देखने को मिलता है। मानव के नहर व नदियों में नहाने से, जब मानव नहाता है तो केमिकल शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, इन सब का यूज करता है, जिस वजह से हमारा जल प्रदूषण देखने को मिलता है। केमिकल प्रोडक्ट के यूज़ से आपका जल प्रदूषण देखने को मिलता है। मृत शवों को बहा देने से, देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि क्राइम वगैरह हो जाते हैं, तो जो भी शव होता है खून करने के बाद वो क्या कर देते हैं कि नदियों में बहा देते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, जल प्रदूषण देखने को मिलता है। इंडस्ट्री के कारण भी आपका जल प्रदूषण देखने को मिलता है। तो ये सभी बेसिकली कारण होते हैं कि मानव द्वारा किस तरीके से जल प्रदूषण किया जा रहा है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें अभी तक करा दी हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, और जल प्रदूषण होने के कारण कौन कौन से हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं जल प्रदूषण से कौन कौन से हमारे प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो जल प्रदूषण होने से मानवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानवों पर बेसिकली ये रोग जो होते हैं ये देखने को मिल जाते हैं, हैजा, पोलियो और आपका डायरिया, मियादी बुखार, ये सभी आपको रोग देखने के मानव पर मिल जाते हैं। जलीय परितंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, जल प्रदूषण होगा तो उसमें कई सारे केमिकल जा रहे होंगे, केमिकल जाएंगे तो जो वहाँ पर
हमारे मछली होते हैं या फिर छोटे छोटे जो भी जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं, तो इसमें जलीय परितंत्र हमारा गड़बड़ा जाता है। पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, केमिकल युक्त अगर पेड़ पौधे पानी लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो उन्हें मतलब कि सीजनल उन्हें फल फूल देने चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, तो पेड़ पौधों पर भी इनका विशेष प्रभाव देखने को मिल जाता है। जलीय जीव जंतुओं पर भी इनका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो आपको अगर यहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न में कि जलीय प्रदूषण के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं 4 पॉइंट्स को, और ये रोग दिखा सकते हैं मानवों पे कौन कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, और थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकली अपने मौखिक रूप से एक्सप्लेन कर दिया, वही बातें आप वहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिएगा, अभी नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि जल प्रदूषण अगर हो गया है तो उसे हम लोग सुधार कैसे सकते हैं, मतलब कि ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब कि जो हमारा जल ख़राब जल है उसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली एक मेथड यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। ये एक फ्लो डायग्राम है, और फिर इसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करते रहेंगे 1-1 स्टेप्स को। तो देखिए, ये रॉ सीवेज है, जो हमारा गंदा कचरा की वाला पानी होगा वो यहाँ से एंटर करेगा, इन करेगा, फिर उसके बाद इसे स्क्रीन से निकाला जाएगा। अभी आप यहाँ पे सिर्फ समझिएगा ओवरव्यू, फिर एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। स्क्रीन एक तरीके का हमारा जाली नुमा होता है, जिसमें काफ़ी ऐसे गोल गोल करके जालियाँ बनी हुई होंगी स्क्रीन में। ठीक है, तो इससे निकाला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर इसमें कोई बड़ा कचरा होगा, कपड़ा हो गया या मछली हो गई या फिर कोई भी ऐसा बड़ा कचरा होगा, तो वो यहाँ पर फंस जाएगा। फिर इससे जो पानी निकलेगा, इधर पानी आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ग्रिट चैम्बर से हम लोग इसे पास कराते हैं। ठीक है ना, जो ग्रिट चैम्बर होता है, अभी यहाँ पे जो ग्रिट चैम्बर होता है ना दोस्तों, ये हमारा स्क्रीन का एक छोटा रूप होता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये जो छेद होते हैं, गोल गोल गोलानुकार के जो छेद होते हैं, ये उनसे छोटे छेद होते हैं ग्रिट में। ठीक है ना, आप ये समझ सकते हैं, ये बड़े छेद वाली जाली, ये छोटे छेद वाली जाली। अब यहाँ पे जितना भी रॉ मटेरियल हमारा बाहर रह गया होगा बड़े आकार का, अब यहाँ पे से पानी गुजरेगा तो यहाँ पे छोटे आकार का जो भी रॉ मटेरियल होगा वो यहाँ पे फंस करके बाहर निकल जाएगा। फिर इसके बाद जो वाटर होता है, ये हमारा स्क्रीमिंग टैंक से गुजारा जाता है। स्क्रीमिंग टैंक में बेसिकली हमारा कुछ केमिकल वगैरह मिला करके इसके जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, जो बालू के आकार के होते हैं या फिर छोटे छोटे कण आकार के होते हैं, उनको हम लोग अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद पानी जो होता है सेमिडिटेशन इसमें टैंक में उसे गुजारा जाता है, जिसमें हमारे जो बालू के कण वगैरह बच जाते हैं उन्हें बैठाया जाता है, तली पर बैठा देते हैं, और फिर इस वाटर को हम लोग फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं, और फिर इस वाटर को हम लोग रिवर में छोड़ देते हैं। तो चलिएगा, एक एक स्टेप को थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, स्क्रीन्स क्या हो जाते हैं, स्क्रीन को हम लोग छन्ने भी कह देते हैं। इसमें एक प्रकार के एक समान आकार के चौकोर या फिर गोल छेद होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक गोल छेद वगैरह होते हैं स्क्रीन में, तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे, एक समान आकार के या फिर चौकोर या फिर गोल छेद हमारे होते हैं। इसमें रुके पदार्थ को हर समय हटाते रहना चाहिए। तो छन्ना कुछ ऐसे लगा होता है, जैसे ये मान लीजिए ये आपके नाली है, हाँ, और इसमें ये छन्ना कैसे लगा देंगे या फिर स्क्रीन जो होगी वो ऐसे लगा देंगे और इसमें गोल छेद होंगे, तो इसके थ्रू जो पानी होगा वो तो बह जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े आकार के हमारा कचरा होता है वो यहाँ पे हमारा फंस जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ होता है। फिर आता है हमारा पानी जो होता है वो ग्रिट चैम्बर से हमारा पास कराया जाता है। 6 mm से कम माप के अकार्बनिक पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे बजरी, बालू, मिट्टी आदि। इसमें सीवेज के वेग को कम कर दिया जाता है, जिससे ग्रिट आसानी से तली पर बैठ जाए, जो कि आपका 6 mm से जो छोटे आकार के होते हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया था बालू हो गया या फिर बजरी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी हमारे किस में अलग हो जाते हैं, ग्रिट चैम्बर में अलग हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के बाद हम लोग किससे निकाल लेते हैं, ग्रिट चैम्बर पे। ग्रिट चैम्बर के बारे में मैंने क्या बताया था, ये स्क्रीन का ही छोटा सा रूप होता है, जिसमें छोटी छोटी हमारी जालियाँ बनी होती है, तो छोटी जालियों की वजह से मिट्टी के कण जो होते हैं वो यहाँ पे हमारे फंस जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्क्रीमिंग टैंक में पानी को ले जाते हैं, तो वहाँ पे ये देखिए मेंशन किया हुआ है मैंने स्क्रीमिंग टैंक। तो स्क्रीमिंग टैंक में क्या होता है, इसमें तेलीय पदार्थ को दूर किया जाता है, जैसे साबुन, चिकनाई, ग्रीस आदि। इन्हें दूर करने के लिए टैंक की दीवार बफर की होती हैं और नीचे तली से एयर ड्रिफर यूज़ किए लगे होते हैं, मतलब कि जो हमारे यूज़र क्या होते हैं, जैसे आपको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल पे बताऊं। यहाँ पे साइड पे ये देखिए हमारा टैंक है, ठीक है ना, अभी ये टैंक है, तो इसकी जो दीवारें होंगी वो वफ़र की बनी होती हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे करके बनी हुई होंगी, जिससे हमारे
हमारे कोई भी एयर का प्रभाव ना पड़े। यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे एक पाइप लगा होगा, यहाँ पे छेद होगा पाइप में, और यहाँ से पाइप से क्या हो रहा होगा, बहुत फोर्स के साथ में गैस ऊपर की ओर आ रही होगी। यहाँ पे पानी है, पानी में क्या है कि हमारे चिकनाई तेल वगैरह की जो इम्प्योरिटी है वो मिली हुई होगी, और पानी से यहाँ से गैस छोड़ रहे हैं, तो पानी क्या होगा, हलचल होगा पानी में, तो हलचल होगा पानी में तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, काफ़ी सारे ऐसे आपने फेना बन करके आ जाएगा, तो ये फेना को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रीमिंग टैंक में इसमें तेलीय पदार्थों को दूर किया जाता है, जैसे साबुन, चिकनाई, ग्रीस आदि। इन्हें दूर करने के लिए टैंक की दीवारें बफर की होती हैं और नीचे तली से एयर ड्रिफ्ट यूज़ किया जाता है, मतलब एयर ड्रिफ्ट यूज़र जो होता है वो लगा होता है। एयर ड्रिफ्ट यूज़र वायु के ऊपर की ओर भेजता है, मतलब कि वायु को यहाँ से ऊपर भेज रहा था ना, ऊपर की ओर भेज रहा था, और तली पदार्थों को झाग बना देता है, और झाग को क्या कर देते हैं, फिर हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो और फिर अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि स्क्रीमिंग टैंक के बाद में सेडिमेंटेशन टैंक आता है, तो वहाँ पे इसमें सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता जाता है, महीन निलंबित मृदा कणों एवं कोलाइडी कणों को अलग किया जाता है। इसमें सीवेज का वेग बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे मृदा कोलाइड के कारण तली पर बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फिटकरी, चूना आदि का उपयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ तक कि क्या हुआ था, अगर मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताऊँ, यहाँ से मैंने गंदा पानी जो है वो अंदर किया स्क्रीनिंग में, और फिर यहाँ से जो हमारा मोटा मोटा कचरा था वो हमारा अलग हो गया, फिर छोटा जो कचरा बचा तो वो हमारा ग्रिड चैम्बर के थ्रू अलग हो गया। स्क्रीनिंग में क्या कि हमने चिकनाई वगैरह अलग कर दिया। अब सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करेंगे, इससे पानी के जो फ्लो होगा वो बहुत धीरा कर देंगे, जिससे हमारी जो भी गंदगी होगी वो हमारी तली पे बैठ जाएगी। मैंने आपको शुरुआत पे बताया था ना, तली बैठ जाती है, तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे भी हो जाएगी। तली को, गंदगी को तली में बैठाने के लिए क्या करते हैं, फिटकरी और चूना का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है फिल्टर का। फिल्टर में क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, डिसइंफेक्टेंट हम लोग इसमें करते हैं, मतलब कि रोगाणुनाशक का हम लोग उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में जल को रोगाणु रहित किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न केमिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा आदि का हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब यह जो जल होता है यह हमारे खुले नदी व तालाब में बहा दिया जाता है, तो इस तरीके से हमारे जल का जो है वो प्योरीफाई होता है। जो आपका जल निगम वगैरह होते हैं वो इस तरीके से हमारे जल को, जो सीवेज का जल होता है उसको प्योरीफाई करते हैं। तो चलिएगा अभी हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जल प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मैंने बेसिकली 5 तरीके के पॉइंट शो किए हुए हैं, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग करके, मतलब कि जो सीवेज वाला जल है उसको प्योरीफाई करके हम लोग पुनः से प्रयोग करें, तो हमारा जो जल प्रदूषण वो हमारा नियंत्रण हो सकता है। या फिर अपशिष्ट जल का शुद्ध करके ही नदियों में छोड़ा जाए, मतलब कि आपने देखा ना कि आजकल क्या करते हैं कि जो सीवेज वाला जल होता है वो डायरेक्ट हमारे गंगा यमुना में बहा देते हैं, तो वही बोल रहा है कि अपशिष्ट जल को, जो हमारा सीवेज वाला जल है, उसको शुद्ध करके ही नदियों में छोड़ा जाए। थर्ड हमारा पॉइंट बोल रहा है कि रासायनिक कीटनाशकों की जगह में जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। आपने देखा कि फिल्टर के समय में क्या कर रहे थे कि हमारा रोगाणुनाशक में क्या कर रहे थे, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि, लाल दवा वगैरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इनके बदले में हमारा जैविक कीटाणुनाशक का यूज़ किया जाना चाहिए। हालांकि मैं अगर इनमें थोड़ा सा अंतर बताऊँ कि रासायनिक कीटाणुनाशक और जैविक कीटाणुनाशक में क्या अंतर है, रासायनिक कीटाणुनाशक क्या हो जाते हैं, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा वगैरह हो जाती है, लेकिन जैविक कीटाणुनाशक में क्या कर देते हैं कि जो सीवेज वाला पानी होता है फिल्टर के समय में, हम लोग इसे काफ़ी दिनों तक की, 6-6 दिनों तक या फिर महीने भर तक की एक जगह स्टोर करके रखते हैं, जिससे जो भी गंदगी होती है वो तली पे बैठ जाती है, तो इसे क्या कह देते हैं, जैविक कीटाणुनाशक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया का यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी का वो होता है, फ्लो होता है, तो इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को नहीं फॉलो करते हैं, रासायनिक कीटाणुनाशक प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते हैं। चौथा पॉइंट हम मेंशन किया गया कि शव को बहाने पर रोक लगाना चाहिए, और पांचवां पॉइंट मेंशन किया गया है, नदी में नहाते समय केमिकल प्रोडक्ट जैसे क्रीम पाउडर या फिर साबुन वगैरह का यूज़ पर रोक लगानी चाहिए। तो ये जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कारक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट हो सकते थे जल प्रदूषण से रिलेटेड वो मैंने आपको मेंशन करा दिए हैं। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इन्हीं के अंदर में ही आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को बना के लिख सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स को मैंने समझाते हुए यहाँ पे आपको चैप्टर को क्लियर कराया है, आज से ये जल प्रदूषण हमारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आशा करूँगा कि जो मैंने आज आपको चीज़ें समझाई वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर नेक्स्ट फर्दर नोटिफिकेशन, और जितनी भी आगे की वीडियोज़ आएंगी वो आपको उसकी
की नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी बनती है तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।